हर पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है कि जहाँ की हजारों साल कदीम तहजीब इस जदीद जमाने में भी कदीम तरीन अक्सो आहंग का नमूना पेश करती है। यह पाकिस्तान की सबसे ज्यादा अकलियती आबादी से भरपूर इलाका कहला सकता है, जो कुल आबादी के आधे के बराबर शुमार होता है। थर हजारों साल से कदीम हिंदू और बुद्ध तहजीब के जेर असर इलाकों में शुमार होता है। थर के अमन पसंद शहरी और दही लोग विफाक पाकिस्तान के शदीद वफादार और हर किस्म की माशरती बुराइयों से पाक लोग हैं। थर के लोग दुनिया की एक सीधी सादी तहजीब और रिवायती जिंदगी में कदीम तरीन स्टाइल से आरास्ता शुमार होते हैं। थर के इलाके में मुस्लिम रिवायात की राजपूत तहजीब और सिंध की रिवायती सकाफत के हामिल लोगों के अलावा हिंदू तहजीब के माखज बहुत बड़ी तादाद में बसते हैं। दस हजार 578 किलोमीटर पर मुश्तमल ये इलाका पाकिस्तान की मुनफरिद तहजीब का हामिल है। बीते हुए 1000 सालों में सिंध पर मुख्तलिफ खानदानों की हुकूमत कायम रही। अंग्रेजों ने 1843 ईस्वी में सिंध की फतह के साथ कच्छ पॉलिटिकल एजेंसी में थर को शामिल करके महसूल की वसूली के लिए हैदराबाद के जेर नगीन कर दिया। 1882 में थरपारकर को जिले का दर्जा मिला। पाकिस्तान बनने के बाद मीरपुर खास थरपारकर का मरकज करार दिया गया। थर का इलाका और इसकी जमीनी सतह और कुदरती जड़ी बूटियों से मामूर वादियां साल भर बारिश की मोहताज रहती हैं। थर की सरजमीन पाकिस्तान के सहरा इलाकों पर मुश्तमिल है, जहां बमुश्किल ही जानदारों के गुजारे के लिए फसल काश्त करना मुमकिन होता है। थर के लोग ईंटों और पत्थर की सिलों की अदम दस्तियाबी के सबब हजारों साल कदीम तर्ज के स्टोपा या कैप नुमा गारे से तामीर करदा कमरों में रहते हैं। इनका तर्ज तामीर अफ्रीका के कदीम तरीन कबाइल के रिहायशी इलाकों से 100% मुशाबहत रखता है। इन गोल कमरों में दाखिले के लिए हवा के रुख पर आर्जी दरवाजे जो खस के फाड़े के होते हैं लगाए जाते हैं। तर्ज तामीर इस अंदाज का होता है कि शदीद गर्मियों में भी अंदर से नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। थर के बाशिंदों की जिंदगी सादा तरीन जरूरियात से मुरस्सा होती है। इनके जानवर भेड़ बकरियां और गाय भैंस इनकी रोजमर्रा मईशत में सबसे अहम शुमार की जाती हैं। इनके चंद्रा स्टाइल के घर कम से कम अजबाब जिंदगी से आरास्ता रहते हैं। थर की औरतें मर्दों से ज्यादा जफाकश और जदीद दौर के तकाजों की नाजुक अंदाम औरतों की जिद शुमार होती हैं। थरी औरतें बारबरदारी, चक्की से जौ जवार मकई का आटा बनाने और इसी आटे की मोटी रोटियां पकाकर सादा गिजा से अपने खानदान का पेट भरती हैं। थर के बाशिंदे छोटी बड़ी सैकड़ों वादियों में अपने आशियाने बसाते हैं और ज्यादा गुंजान आबादियों से परहेज करके एक दूसरे से खासे फासले पर आबाद रहते हैं। शदीद गुर्बत और जरूरियात जिंदगी से दूर रहते हुए भी थर के लोग इंतहाई खुददार, बावसूल और माशरती लिहाज से शदीद तौर पर
साफ गो हैं। ये लोग जिंदगी की हर दुश्वारी को सहल बनाकर जीते हैं। यही वजह है कि कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में मुनफरिद कल्चर के हामी थर के बाशिंदे हैं। इनकी अपनी रिवायात और अखलाकी कदरें इंतहाई सादा हैं। इंसानी तहजीब, तारीख और तमद्दुन के कई हजार साल सफर के बाद सिंध पर सम्मा खानदान, किलहोड़ा खानदान और तालपुर हुक्मरानों का तवील दौर हुक्मरानी रहा और दुनिया भर पर यह साबित रहा कि वादी मेहरान के बसने वालों ने एक तवील दौर तक अपने खित्ते पर हुक्मरानी का सूरज बुलंद रखा। सिंध पर सन ऑफ सॉइल यानी सिंध ही की अकवाम की हुक्मरानी का जायजा लेने के साथ ही हमें सिंधी जबान की इर्तिकाई तारीख का जायजा भी लेना होगा। सहराए थर का 47,91,000 एकड़ रकबा सहरा पर मुश्तमिल है। जबकि कुल इलाका 19,637 मुरब्बा किलोमीटर है। कुल आबादी का चौथाई हिस्सा मिट्टी पर मुश्तमिल है। मिट्टी थर का सबसे बड़ा और पाकिस्तान की तारीख का कदीम शहर है। 1988 से सिंध के सहराई इलाके की तरक्की के लिए साजदा का इदारा काम करता रहा, जो ब्रिटिश ओवरसीज डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के तावुन से इस इलाके में मीठे पानी की तलाश में मसरूफ था। थर के बहुत ही कम इलाकों में माजी में पीने के काबिल मीठा पानी मिल सका था, बल्कि आज भी बहुत से इलाके कड़वे पानी की जद में हैं। आज हम कह सकते हैं कि वादी थर, जिसे सदियों से बेआब हो गया सरजमीन और सहराई नाकाबिले काश्त इलाका तसव्वुर किया जाता रहा है, कुदरत के अजीमतिये यानी जेर जमीन कोयले के दुनिया के सबसे बड़े 3 स्टॉक्स में से एक शुमार किया जा सकता है। थर के जेर जमीन कोयले की दरियाफ्त के लिए इब्तदाई काम पाक अमरीका तआवुन से जारी रहा और फिर जब 175 बिलियन टन कोयले के जखायर का पता चला तो पाकिस्तान के सबसे करीबी और बेलौस दोस्त चीन के तआवुन से इसकी दरियाफ्त और एक्सप्लोर करने का काम जारी रहा। ब्रादर मुल्क चीन की कंपनी ने इंतहाई नामसाइद हालात और झुलसा देने वाली गर्मी के बावजूद 14 मकामात पर कोयले के अजीम जखायर को तश तस बाम करने के लिए दिन रात मेहनत की और आखिरकार मादनी दौलत के कुदरती जखीरों से भरपूर
اس ملک کو مالا مال کرنے میں اپنا بہترین کردار ادا کیا۔ پاکستان دنیا میں کوئلے کے ذخائر کے لحاظ سے 12 ممالک میں 7ویں نمبر پر آ گیا ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ وادی تھر کے کوئلے کے ذخائر سے پاکستان میں 25 عظیم اور محیب بجلی گھروں کے علاوہ ہمسایہ ممالک کے لیے بھی تجارتی بجلی پیدا کی جا سکے گی۔ چائنا ایکسپلوریشن کے مطابق پاکستان میں جلد ہی اس عظیم کول بیلٹ کی اصل مقدار 184 بلین ٹن ظاہر ہو جائے گی۔ دنیا کے 24 ممالک اس وقت کوئلے کے ذخائر سے اپنے ملک کی تجارتی، شہری، ضلعی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ پاکستان کے تھر کے کوئلے کے ذخائر سے پورا ملک روشنیوں سے منور ہو جائے گا۔ اندازہ ہے کہ پاکستان 25,000 میگا واٹ بجلی 50 سال کے عرصے تک پیدا کر سکے گا، لیکن اس کے باوجود تھر کے قدرتی کول ذخائر میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ حال ہی میں تھر کی ترقی اس کے دلکش قدرتی ماحول سے آراستہ علاقے کو روشنیوں اور ان کے زیور سے معمور کرنے کے لیے کئی یورپی ممالک سے پاکستان کے دور رس معاہدے ہوئے ہیں۔ جلد ہی تھر میں 3 بین الاقوامی کمپنیاں تیز رفتار ترقیاتی عمل کا آغاز کر کے یہاں کی صدیوں سے پسماندہ زندگی کی ہر سہولت سے محروم آبادی کو ایک روشن ترین مستقبل سے آراستہ کرنے کے لیے ایک نئے دور کی تکنیکی جدوجہد کا آغاز کرنے والے ہیں۔ صدیوں پرانی منفرد ثقافتی تاریخ کے حامل تھر کے علاقے نوکوڈ کی تاریخ ہمیں تالپور دور کی بہترین تعمیراتی پلاننگ سے آراستہ طرز عمل کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ اس حقائق نامے کے باوجود کہ اسلامی تاریخ سے قبل یہاں آباد ہندو اقلیتی آبادی نے مذہبی لحاظ سے بہت سی تعمیرات کرائیں، جن میں مندر اور کئی سرائے شامل تھے۔ وادی تھر میں سینکڑوں سال قدیم ہندو اقلیتوں کے مندر ان کی اپنی روایتوں کے مطابق قائم و دائم ہیں۔ وادی مہران کے ہر گوشے میں ہندوؤں اور دیگر اقلیتوں کے لیے عبادت کے عمل میں کسی قسم کی رخنہ اندازی نہیں کی جاتی۔ یہاں ہر طبقہ فکر اور مذہب کے لوگ اپنے قدیم ترین مندروں، گرجاؤں میں اپنے انداز فکر اور مکمل مذہبی آزادی سے اپنی رسمیں پوری کرنے اور اسلامی اقدار کا یہ بیان واضح کرتے ہیں کہ اسلام اقلیتوں کے حقوق کا محافظ ہے، اور اسلامی تاجداری میں ہر مذہب کے پیروکاروں کو مذہبی آزادی حاصل ہے۔ تھر کے باریک دستی ہنر سے آراستہ اس کشیدہ کاری کے کام کی مانگ ایشیا بھر میں ہے۔ خواتین قیمتی دھاگوں سے کپڑوں پر ایسے نقش و نگار سنوارتی ہیں کہ مشین کی کڑھائی کا گمان ہوتا ہے۔ کپڑوں پر دھاگے سے نقش کردہ یہ باریک کام وادی تھر کی سینکڑوں سالہ قدیم تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اس روایتی کام کی ایکسپورٹ ہینڈ ٹو ہینڈ دنیا بھر میں ہوتی ہے۔ اس کی تکمیل کے لیے تھر کے روایتی، ثقافتی، گہرے رنگوں کے کپڑے کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ ان لباسوں، چادروں، میز پوشوں کو عرصہ دراز تک سندھ کی سوغات کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا ہے۔
सिंध में इन कपड़ों के कामों के लिए तरक्याती अमल से भरपूर बहुत से इदारे कायम हैं, जहां खवातीन कशीदाकारी के नए नए अंदाज सीखती हैं। हमें बताएं कि इन खवातीन की बेहतरी के लिए आप लोग क्या करते हैं? उनकी बेहतरी के लिए सबसे पहला कदम ये है कि वो गांव से निकल के आएं और अपने मसाइल को आगे लेके आएं। हम उनके लिए प्रोग्राम अरेंज करते हैं ट्रेनिंग्स का, जैसे आज आप देख रहे हैं कि ट्रेनिंग चल रही है, उस ट्रेनिंग्स में ये खवातीन अपने गांव से निकल के यहाँ आई हैं। ट्रेनिंग्स मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जिसमें आज जो ट्रेनिंग चल रही है कुदरती वसाइल, हमारे इर्द गिर्द में नेचर ने सब कुछ दिया है, कुदरत ने हमारे को सब कुछ दिया है, मगर उसका बेहतर हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वो दिन जल्द आ रहा है जब वादी थर का हर गोशा खुशहाली इल्म हुनर से हम किनार होगा।